दोस्तों जब भी आप अपने हिडन एल्बम यानी कि प्राइवेट एल्बम में फोटो या फिर वीडियो हाइड करते हैं ना, तो उसमें एक पासवर्ड लगता है, और अगर वो पासवर्ड आप भूल गए तो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। जैसे गैलरी में जाते हैं आप और उसके बाद एल्बम पर जाते हैं और यहाँ स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ से आपका एक प्राइवेट एल्बम ओपन होता है, यही वाला पासवर्ड आप उस पर लगा होता है, राइट, प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड आपकी प्राइवेट एल्बम को सिक्योर करने के लिए। चलिए अगर आप ये पासवर्ड भूल गए हैं तो क्या करेंगे, कैसे इसको ओपन करेंगे, कैसे इसको रिसेट करेंगे, इस पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना रखा हूँ, लगभग 10 से 15 वीडियोस बना रखा हूँ, अलग अलग मोबाइल पर बना रखा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर करके बना रखा हूँ, राइट, और सारी मोबाइल की प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ। जैसे कि उन मोबाइल में फिंगरप्रिंट होता था, बट इस मोबाइल में फिंगरप्रिंट नहीं है, आप देख सकते हैं। और एक बंदे ने मतलब मैसेज किया था कि सर विदाउट फिंगरप्रिंट वाले मोबाइल में बनाइए और पोको C3 बनाइए। जैसे ये मोबाइल पोको C3 है, तो आपकी प्रॉब्लम बिना फिंगरप्रिंट वाली मोबाइल है ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। वीडियो में बने रहिएगा, स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कि आपको क्या करना है कि गैलरी में जाएंगे, इस तरह गैलरी में जाने के बाद एल्बम पर जाएंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाते हैं प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड। ये पासवर्ड आप जनरली भूल चुके हैं, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पर फॉरवर्ड पासवर्ड पैटर्न आ रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाई देगा, अगर आपने पहले मोबाइल को छेड़छाड़ नहीं किया है तब ये ऑप्शन दिखाई देगा, अदरवाइज छेड़छाड़ किया है तो ये ऑप्शन नहीं भी दिख सकता है आपने। अगर दिख रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रिकवरी फ़ोन लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप अपना फ़ोन नंबर ऐड करते हैं तो आप अपने फ़ोन को रिकवर कर सकते हैं, पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। चलिए फ़ोन नंबर ऐड करेंगे हम, यहाँ पर ऐड फ़ोन नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ लोड होगा, उसके बाद लोडिंग होने के बाद ये ओपन होगा, पेज ओपन हो जाए भाई, यस। यहाँ पर एक आपको ईमेल आईडी दिखाई देगा, ये ईमेल आईडी आपकी मोबाइल का ही है, और उसी मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा, चलिए सेंड कर देते हैं, और उसके बाद हम अपने ईमेल आईडी में जाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि Xiaomi की तरफ से मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आ चुका है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर 893651 कहाँ गया ये, यस 89, इसमें एंटर करेंगे 893651, यस ओके, अब सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप अब मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगा। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐड फोन नंबर का ऑप्शन आ रहा है और वो मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो रहा था, राइट, तो इस पर मुझे डालना है अपना फ़ोन नंबर एंटर करूँगा। अपना फ़ोन नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक करेंगे, नेक्स्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है, कंफर्म एसोसिएट फोन नंबर, द फोन नंबर इज एसोसिएटेड विद Xiaomi इन नो लॉन्गर एसोसिएटेड Xiaomi, ओहो, इट मीन्स ये फ़ोन नंबर ऑलरेडी मेरा Xiaomi अकाउंट से ऐड है, अगर मैं इसको यहाँ पर एसोसिएट कर देता हूँ तो मेरा पिछला वाला जो है Xiaomi अकाउंट ना, वो मेरा डिलीट हो जाएगा, तो मुझे क्या करना है यार, मुझे कुछ करना पड़ेगा, मैं दूसरा नंबर डालता हूँ यहाँ पर, ओके, मैंने दूसरा फ़ोन नंबर ऐड कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। I'm not robot. ओके, अभी मेरे दूसरे वाले नंबर पर यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड सेंड कर दिया गया है, इसमें से मैं एंटर करूँगा, वेरिफिकेशन कोड आने दीजिए, ओके आ गया 810659, डबल वन, ओके मेरे दूसरे, ओके यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड ऐड करने के बाद वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हमारा MI अकाउंट क्रिएट हो जाएगा, राइट, वेरीफाई हो जाए भाई, ओके मेरा अभी अकाउंट क्रिएट हो चुका है, मेरा फ़ोन नंबर ऐड हो चुका है, अभी मैं इसको रिकवर करूँगा, राइट, चलिए बैक करते हैं, मैं फॉरवर्ड पैटर्न पर क्लिक करता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, अभी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है, कैसे क्या करना है देखिए,
जैसे हमने अपना फ़ोन नंबर ऐड कर लिया, अभी गैलरी पर जाते हैं, गैलरी पर जाने के बाद एल्बम में आ गए, स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे आ गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। चलिए कोई भी पासवर्ड ले लेते हैं। फॉरगॉट पासवर्ड पर अब हम क्लिक करेंगे, फॉरगॉट पैटर्न पर, तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड मेरा सेट करने के लिए आ रहा है। अभी मैं यहाँ से कोई भी पासवर्ड सेट कर सकता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5। ओके, मैंने एक पासवर्ड ले लिया है और उसके बाद यहाँ पर सेट कर दिया। अगेन यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आएगा, कितना वेरीफाई करने के लिए आ रहा है आप देख सकते हैं। ये सारे प्रोसेस आपको करने ही पड़ेंगे। चलिए पहला डिलीट कर देता हूँ। ओके, अगेन वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करूँगा। ओके, एंटर हो गया और यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ, यानी कि अपना पैटर्न यहाँ से लगा सकता हूँ। एक लगा लिया, कंफर्म करेंगे। अभी कंफर्म हो गया, कंफर्म। ओके, अब मैं अपना यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला पासवर्ड एंटर किया और प्राइवेट एल्बम में एंटर हो गया। तो इस तरह से आप अपनी पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, अगर एक बार नहीं हो रहा है तो दोबारा प्रोसेस को, वीडियो को बढ़िया से देखिए, पॉज करके देखिए और आराम से इसको अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। 100% मैं कह रहा हूँ कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग सेटिंग्स लेकर आता रहता हूँ इस चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।